अब हम मृदा प्रदूषण की चर्चा करेंगे। जैसा हमने जल प्रदूषण के बारे में देखा, वायु प्रदूषण के बारे में समझा, ये बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये जो मृदा प्रदूषण है वो उसका जो दुष्प्रभाव है वो थोड़े सीमित क्षेत्र तक ही होता है। प्रायः जो कृषि क्षेत्र हैं या उद्योग के या शहरी क्षेत्र हैं, ऐसी जगहों पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ठोस या अर्ध ठोस जो अवशिष्ट होते हैं वो लगातार मिट्टी में मिलते जाते हैं, और इनके लगातार मिट्टी में मिलते जाने से जो वहाँ की मृदा है, उस सीमित क्षेत्र की जो मृदा है वो लगातार प्रदूषित होती जा रही है। तो मृदा का जो प्रदूषण होता है वो मृदा के कणों में मानवीय या प्राकृतिक कारणों से होने वाला प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण वायु प्रदूषकों के कारण जो वर्षा के जल के साथ जो अम्ल उत्पन्न हो रहा है, ये जो अम्ल है या अम्ल वर्षा की वजह से जो अम्ल जल के साथ घुलकर लगातार मृदा पर मिलती जा रही है, ये भी मृदा प्रदूषण का कारण बनती है। यानी हम देखते हैं कि मृदा प्रदूषण के बहुत सारे अन्य कारण भी हैं, मानवीय क्रियाकलाप हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र हैं, साथ ही साथ बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं भी हैं जो कि मृदा प्रदूषण का कारण बनती हैं। कई बार हम देखते हैं कि आसपास के कूड़ा कचरे का ठीक से सफाई ना होना या उसका ठीक से कचरों का प्रबंधन ना हो पाना, ये भी मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। मृदा प्रदूषण जो है वो जल और वायु प्रदूषण के विपरीत एक सीमित क्षेत्र तक ही होता है। जैसा हमने देखा कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण का प्रभाव बहुत बड़े एक क्षेत्र तक रह जाता है, लेकिन मृदा प्रदूषण का प्रभाव एक सीमित क्षेत्र तक ही रहता है। एक निश्चित स्थान पर ही ये बहुत लंबे समय तक बना रहता है। जैसे हम देखते हैं कि कहीं पर कूड़े कचरे का ढेर है, वो लगातार यदि वहीं डालते जा रहे हैं, उसका निस्तारण ही नहीं कर रहे हैं, तो वो जो पूरा क्षेत्र है वो प्रदूषित हो जाता है। वहाँ की जो मृदा है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती है। जल और वायु प्रदूषण की तरह ये जो मृदा प्रदूषण है वो बहुत अधिक फैलता नहीं है, क्योंकि जल और वायु प्रदूषण की जो सीमा है वो बहुत एक बड़ी सीमा होती है, बहुत दूर तक ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से फैलते जाते हैं, लेकिन मृदा प्रदूषण जो है उस वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं फैलते हैं। लेकिन एक ही जगह की मृदा जो है वो लगातार यदि वहाँ पर कचरों का या किसी प्रकार के प्रदूषण का निपटारा ना हो पाए तो वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ की जो मृदा है वो लगातार प्रदूषित बनी रहती है। अब हम ये समझेंगे कि मृदा प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं। प्रायः जो शहरी अपशिष्ट होते हैं, तो शहरी अपशिष्ट में घरेलू अपशिष्ट भी आते हैं, व्यावसायिक अपशिष्ट भी आते हैं। कई जगह बिल्डिंग निर्माण होता है, निर्माण कार्य में भी बहुत सारे कूड़ा कचरा ये सारे निकलते हैं जिसका निस्तारण नहीं किया जा सकता है, और ये सारे जो भी कचरे होते हैं, इस तरह के जो अपशिष्ट होते हैं, वो मृदा को लगातार प्रदूषित करते जाते हैं। तो ये जो अवशिष्ट होते हैं इसमें और भी दूसरे, जैसे प्लास्टिक ले लें या कांच ले लें, बहुत सारे पुराने कपड़े रेशे मिट्टी में लगातार मिलते जाते हैं, और इनके मिलते जाने से वहाँ गंदगी बढ़ती जाती है। जब वो मृदा में गंदगी बढ़ती जाती है तो वहाँ पर मच्छर, मक्खी, चूहे ये पनपने लगते हैं, और इसकी वजह से वो जो पूरा क्षेत्र है वो दुर्गंध युक्त हो जाता है, वहाँ की जो मृदा है वो दुर्गंध युक्त हो जाती है। तो इससे वहाँ की जो मृदा का जो मूल गुण है वो खराब हो जाता है, यानी उसके मूल गुण में क्षति उत्पन्न होती है। तो यहीं पर मृदा प्रदूषण का जन्म हो जाता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम देखते हैं कि बहुत सारे अवशिष्ट जो घर से भी निकलते हैं, औद्योगिक संयंत्रों से भी निकलते हैं, व्यावसायिक परिक्षेत्र से भी निकलते हैं, हॉस्पिटल है या कई सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं जिसका डायरेक्ट जहाँ से कूड़ा निकलता है बिना निस्तारण के उसे ऐसे ही फेंक दिया जाता है, तो ये मृदा प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। दूसरा हम देखेंगे कृषि प्रदूषक, यानी ग्रामीण क्षेत्र में भी जहाँ पे कृषि क्षेत्र होता है वहाँ पर भी मृदा का प्रदूषण होता है। जैसे कई सारे रसायन हैं जिसका प्रयोग किया जाता है फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि फसल में कीट लग जाते हैं, उन कीटों
के कारण फसल को नुकसान पहुंचता है, उत्पादन में कमी आती है। तो कृषक जो हैं वो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का प्रयोग करते हैं जिसके छिड़काव से पीड़कों का विनाश होता है, तो इसे हम पीड़क नाशी भी कहते हैं। लेकिन ये भी पौधों को, जंतुओं को या उनकी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, और साथ साथ हम देखते हैं कि फसलों को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं, और फसलों के माध्यम से ये मनुष्य को, जीव जंतुओं तक भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहुंचते हैं। तो ये जो विषैले रसायन होते हैं ये पीड़कनाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये बार 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 यदि इसका छिड़काव किया जाता है तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो प्रभाव है वो जंतुओं पर, मनुष्य पर, पेड़ पौधों पर दिखता है। कई बार हम देखते हैं जो DDT एक बहुत ही मुख्य पीड़कनाशी होता है, तो यदि ये जब पीड़कों का प्रतिरोध DDT के लिए बहुत अधिक बढ़ जाता है तब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एल्ड्रीन है उसका भी प्रभाव जो है वो नहीं होता है। बहुत से पीड़क जो होते हैं या बहुत सारे जो पीड़क नाशी है वो जल में घुल जाते हैं, अजैव निम्नीकृत होते हैं, और ये स्थायी रूप से वातावरण में मिलते रहते हैं, और लगातार ये मिल करके निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ये स्थानांतरित होते हैं और ये वायुमंडल को प्रभावित करते हैं, और बहुत लंबे समय तक भी ये जो केमिकल्स हैं जहरीले इनका प्रभाव देखने को मिलता है। चूँकि इनका सांद्रण लगातार वातावरण में फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और बहुत सारे स्रोतों से ये जीव जंतुओं के शरीर में पहुँच रहे हैं, और जीव जंतुओं के शरीर में होने वाले बहुत सारे ऐसे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उस पर दुष्प्रभाव भी उत्पन्न कर रहे हैं। प्रायः हम देखते हैं कि जो कार्बोफॉस्फेट है या कार्बोमेट्स है ये भी रासायनिक नर्व टॉक्सिन्स होते हैं जिसका दुष्प्रभाव जंतुओं और मनुष्य पर पड़ता है। पीड़क नाशी को कई कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है क्योंकि अलग अलग तरह के कैटेगरीज होते हैं पीड़क नाशियों के, तो कुछ हम जानेंगे यहाँ पर कि कैसे कैसे पीड़क नाशी होते हैं। जैसे कीटनाशी, ये जो कीटनाशी हैं प्रायः कृषि क्षेत्र में जो कीट होते हैं उनको नष्ट करने के लिए इन कीटनाशियों का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है वो है DDT। जो DDT की जो शुरुआत है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये एक मलेरिया रोग या जो दूसरे कीटजन्य रोग थे उनके निवारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। कीटनाशियों के तौर में मेलाथियॉन, कार्बोनिल कंपाउंड्स, इनका उपयोग किया जाता है। DDT जो है वो एक क्लोरोकार्बनिक यौगिक होता है। इसका जो प्रभाव है वातावरण पर बहुत अधिक पड़ता है क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक वातावरण में फैले रहते हैं, तो ये स्थायी रूप से बने रहते हैं और जल में घुल जाते हैं, और वातावरण में लंबे समय तक बने होने के कारण ये जीवों के अंदर जो क्रियाशीलता है या जीवों के बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उस पर ये दुष्प्रभाव डालते हैं। अगला हम देखेंगे शाकनाशी। शाकनाशी में हम देखते हैं कि कई बार फसलों के बीच में बहुत सारे अवांछित वनस्पति या शाक जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए इस तरह के शाकनाशियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम आर्सेनेट या 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी अम्ल। ये जो केमिकल्स होते हैं ये मैमल्स पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। अगला हम देखेंगे कवकनाशी। कवकनाशियों का प्रयोग जो है वो मुख्य रूप से पौधों में कवक से होने वाले जो रोग होते हैं उनके विनाश के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये जो कवकनाशी होते हैं इसमें थीरम एक इम्पॉर्टेंट कवकनाशी है जिसका सूत्र है CH3 2NCSS। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ये थायो कंपाउंड से जिसमें कि सल्फर प्रेजेंट होता है, साथ ही फेनिल मरकरी एसीटेट या बॉर्डेक्स पाउडर, ये सारा भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कवकनाशी होते हैं। मरकरी के बहुत सारे कार्बनिक यौगिक जो हैं वो भी कवकनाशी के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जब ये कवकनाशी पौधों पर छिड़के जाते हैं, लगाए जाते हैं पौधों को उपचारित करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति में फैलते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं,
और धीरे धीरे मिट्टी का जो अपरदन है, मिट्टी का जो क्षय है वो होने लगता है और मृदा पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। बहुत सारे हानिकारक प्रभाव भी यहाँ पर हम देखते हैं। ये जो कवकनाशी है, क्योंकि इसमें मरकरी भी है, सल्फर भी है, तो ये बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पौधों पर भी डालते हैं, साथ साथ जीव जंतु मनुष्य पर इनडायरेक्ट रूप से भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से ये मनुष्य या जीव जंतु तक पहुंचते हैं। किसी धातु के जहरीले लवण के रूप में ये पहुंच जाते हैं और कई सारी बीमारियों का कारण भी बनते हैं। अब हम कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ के बारे में समझेंगे, कैसे ये रेडियोधर्मी पदार्थ लगातार मृदा को प्रदूषित कर रहे हैं। नाभिकीय जो भट्टियाँ होती हैं उससे रेडियोधर्मी अवशिष्ट निकलते हैं। ये रेडियोधर्मी अवशिष्ट जो हैं ना केवल नाभिकीय भट्टियों से बल्कि हॉस्पिटल है, प्रयोगशाला लैब है, यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में हम देखते हैं कि आजकल रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम ये जानते हैं कि कैंसर के इलाज के लिए बहुत सारे रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है, रेडियो थेरेपी की जाती है, कीमोथेरेपी दी जाती है, तो यहाँ पर बहुत सारे रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग होता है। तो हॉस्पिटल से भी इस तरह के जो अपशिष्ट है वो निकलते हैं, और ये जो अपशिष्ट है यदि उसका सही तरीके से निस्तारण नहीं होता है, लगातार वो मिट्टी में मिलते जाते हैं और मृदा के गुणों को क्षय करने लगते हैं। मृदा के माध्यम से जब ये अपशिष्ट पदार्थ, नाभिकीय अपशिष्ट जो है वो पौधों में, पौधों के माध्यम से जीवों में यानी जंतुओं में, मनुष्य में पहुंचते हैं, तो इसका बहुत ही दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उससे निकलने वाली जो गामा किरणें होती हैं, गामा रेज होती हैं, वो बहुत अधिक हानिकारक होती हैं और कोशिकाओं की क्रियाविधि को ये प्रभावित करती हैं। तो ये जो गामा रेज होती हैं, चूँकि ये बहुत ही खतरनाक होती है और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से ये मृदा में मिलती है और मृदा के माध्यम से ये मनुष्य या जीवों तक पहुंचती हैं। मृदा प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है इसके बारे में हम समझेंगे। प्रायः जो उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर उसके ऑप्शन के रूप में जैविक उर्वरकों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किया जाना चाहिए। प्रायः ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं इसके अंदर जो कि मृदा की पोषण क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं या मृदा के जो पेड़ पौधे हैं उसकी वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। प्रायः हम देखते हैं कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का कार्य करता है। इसी तरह से नील हरित शैवाल जो है पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर ये जो जैविक उर्वरक हैं ये मृदा प्रदूषण को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। खाद का उपयोग, यदि हम खाद का उपयोग करते हैं ये भी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करता है। प्रायः जो गोबर खाद है या अन्य जो अपशिष्ट हैं, खेत के अपशिष्ट हैं, यही खेत में ही तैयार किए जाएं और खेत के जो अपशिष्ट हैं उन्हीं को सड़ा गला करके जो भी अपशिष्ट निकलते हैं उन्हीं का पुनः प्रयोग कर लिया जाए खाद के रूप में, तो ये भी मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। अगला हम देखेंगे कि वस्तुओं का पुनर्चक्रण। कई बार हम देखते हैं ये जो पॉलीथीन है जो बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण फैला रहे हैं, बहुत सारे बहुलक हैं जिसमें कि कार्डबोर्ड है, खाली बोतल होते हैं, धातु की वस्तुएं होती हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं इनका रिसाइकल किया जाना चाहिए। कचरा इकट्ठा करने वाले जो कबाड़ी होते हैं जब इसे इकट्ठा करते हैं तो यदि ये अलग अलग इसे इकट्ठा करें और अलग अलग तरीके से इसे रिसाइकल करें तो काफ़ी हद तक इस तरह के जो कचड़े हैं जिसका निस्तारण किया जा सकता है और मृदा में मिलने से इसे रोका जा सकता है। अगला है कि मल परिवहन का सही तरीका, यानी जो भी गंदगी निकलती है उसका उपचार सही तरीके से किया जाए, उसका पुनर्चक्रण किया जाए और इसके लिए बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो गांव में, शहर में, कस्बों में स्थापित किए जाएं, जिससे कचरे का निस्तारण बहुत ही सही ढंग से हो और बार बार इसका पुनर्चक्रण किया जाए जिससे विभिन्न पदार्थों का रीयूज़ भी किया जा सके और कचरे का सही ढंग से निस्तारण भी किया जा सके जिससे मृदा का प्रदूषण कम से कम हो।
पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने की कुछ नीतियाँ हैं, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे डेली रूटीन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि घरेलू अपशिष्टों का प्रबंधन और औद्योगिक अपशिष्टों का प्रबंधन कैसे किया जाए। तो घरेलू अपशिष्टों का जो प्रबंधन है, तो घर में रखे हुए जो कचड़े हैं उसे डस्टबिन में फेंक करा जाना चाहिए। फिर ये घर से शुरुआत होती है और वहाँ से ये कॉलोनी में, मोहल्ले में, वहाँ के बड़े डस्टबिन में डाला जाना चाहिए। और यहाँ भी 2-3 अलग अलग तरीके के डस्टबिन होने चाहिए अलग अलग तरीके के कचरों के लिए। तो जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत अपशिष्टों को अलग अलग किया जाना चाहिए। तो प्रायः जो म्यूनिसिपैलिटी होती है उनके द्वारा इस तरह के कार्य किए जाए, तो इसको यदि छोटे लेवल से ही स्टार्ट किया जाएगा तो बहुत हद तक घरेलू अपशिष्टों का निस्तारण किया जा सकता है। तो अपशिष्टों का ठीक तरह से यदि निस्तारण नहीं होता है तो ये कई बार नालियों में फंस जाते हैं या कई जो जीव जंतु है उसे खा लेते हैं। जैसे प्लास्टिक खाने से कई बार जो गाय भैंस है उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक खतरनाक होते हैं। तो इसे सही ढंग से निस्तारण करना बहुत आवश्यक होता है। पॉलीथीन के बैग हैं, व्यर्थ की वस्तुएं हैं, ये सारी चीज़ें जब जल में जाके मिल जाते हैं, नालियों में जाके फंस जाते हैं, तो जल का ठीक तरह से निस्तारण नहीं हो पाता है, जल जमने लगता है, वहाँ गंदगी फैल जाती है, दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है, मच्छर और मक्खी फैलने लगते हैं और इससे कई तरह की दूसरी बीमारियाँ भी होने लगती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो निस्तारण है वो सही ढंग से होना चाहिए, चाहे वो घरेलू अपशिष्ट हो चाहे वो औद्योगिक अपशिष्ट हो। अब हम औद्योगिक अपशिष्टों का जो निस्तारण है वो किस तरह से किया जा सकता है इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चक्रीकरण कैसे रिसाइकल किया जाए। तो रिसाइकल करने के लिए वस्तुओं का फिर से उपयोग किया जाना चाहिए। जो भी औद्योगिक अपशिष्ट निकलते हैं इन वस्तुओं का सही ढंग से निस्तारण हो, चक्रीकरण हो। जैसे अगर कांच है तो कांच का संग्रह कर लिया जाए, उसका चक्रीकरण कर लिया जाए, या अपशिष्टों के जलने पर जो ऊर्जा है उसको फिर से उपयोग कर लिया जाए, उसका पुनर्लाभ यानी उसको दोबारा हम उपयोग कर सकें। जो भी रद्दी पेपर होते हैं उसका फिर से उपयोग कर लिया जाए, या जो व्यर्थ धातुएं हैं उसका उपयोग कर लिया जाए, जैसे कि स्टील के निर्माण में या दूसरे किसी भी अन्य जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वहाँ पर इसका उपयोग कर लिया जाए। तो चक्रीकरण यानी रिसाइकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है औद्योगिक अपशिष्टों के निस्तारण के लिए। दूसरा हम देखेंगे कि जलाना या भस्म का बनना, यानी जो भी अपशिष्ट होते हैं उनमें यदि कार्बनिक पदार्थ है तो इसको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। तो इसके द्वारा इसका निम्नीकरण किया जा सकता है किसी भी कार्बनिक पदार्थ को जलाकर। तो इसमें जो घरेलू अपशिष्ट हैं, रासायनिक अपशिष्ट हैं, जैविक अपशिष्ट हैं, जैसे इसमें हम देखते हैं अस्पताल से निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं, इसके लिए बहुत अधिक तापमान, लगभग हम देखते हैं कि 1237 टेम्परेचर से भी ज़्यादा, 1237 केल्विन टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। व्यर्थ गैसों को यहाँ से निकाल दिया जाता है और बची हुई जो भस्म है, राख है, जलाने के बाद उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। इस विधि से संबंधित PCBs या जिसे पॉली क्लोरोबेंजीन एवं उच्च ताप पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया से कार्ब क्लोरो यौगिकों के बंध बना करके उसको नष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो PCB है जिससे बहुत सारे प्रदूषक गैसें यानी पॉलीक्लोरोबेंजीन जो भी कार्बन के अपशिष्ट निकल रहे हैं, ये व्यर्थ गैस ही है जो कि वायु प्रदूषण को बढ़ाती हैं और वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं, तो ये बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। अगला हम देखेंगे कि मल एवं अपशिष्ट का निपटारा कैसे किया जाता है। जो मल है या अपशिष्ट है उसका निपटारा करने के लिए बड़े बड़े छन्नों का प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी सारे जो मात्रा है गंदगी की वो छान कर पहले अलग कर ली जाती है। इसके बाद ये जो छनित्र निकलता है इसे बड़े बड़े टैंक में भर दिया जाता है। टैंक में भरने के बाद उसके जो भी ठोस और बचे खुचे जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से नीचे बैठ जाते हैं। तो जब ये कण नीचे बैठ जाते हैं तो इसे कीचड़ कहा जाता है। तेल है, ग्रीस है, इसकी जो अशुद्धियाँ हैं वो ऊपर तैरती रहती हैं और इसे ऊपर से ही अलग कर लिया जाता है।
फिर इसके अंदर उपस्थित जो बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको ऑक्सीकृत किया जाता है, उसका ऑक्सीकरण होने दिया जाता है, और अंत में जो बचा हुआ अपशिष्ट है इस अपशिष्ट जल का उपचार किया जाता है। इस अपशिष्ट जल के उपचार में फॉस्फेट का स्कंदन किया जाता है और फॉस्फेट को स्कंदन करने के बाद इसको छान लिया जाता है और छानने के बाद क्लोरीनीकरण कर लिया जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस है जिसके द्वारा हम देखते हैं कि मल एवं अपशिष्ट का निपटारा किया गया, जिसमें बहुत सारे पद हमने देखे, यानी छानना, फिर उसमें उसको नीचे बैठाना तली पे, ग्रीस वगैरह को अलग करना, साथ ही उसमें फॉस्फेट का स्कंदन करना, क्लोरीनीकरण करना, इस तरह से कई पदों को शामिल करके हम इस तरह मल का निपटारा कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे पाचन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये अवायवीय पाचन किया जाता है इसके द्वारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके द्वारा जो विषैले कार्बनिक पदार्थ है उसका भी निपटारा किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जहाँ पर हम इन कार्बनिक पदार्थों को निम्नीकृत कर सकते हैं, और ये कार्बनिक पदार्थ जब निम्नीकृत होते हैं तो इनसे मेथेन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, CH2O, यहाँ पर 2CH2O लिया गया है, इसको जब निम्नीकृत किया गया तो ये छोटे अणु में टूटता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। तो ये जो मेथेन है इसका फिर से उपयोग कर लिया जाता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि रीयूज़ भी कर लिया गया मेथेन का, तो यहाँ पर निपटारा भी हुआ और मेथेन का रीयूज़ भी कर लिया गया। अगला है फेंकना। मल के जो कीचड़ होते हैं उसे समुद्र में फेंक देना बहुत ही सामान्य है। आजकल हम देखते हैं कि ये जो समुद्र में फेंकने पर जमीन उर्वरता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी यौगिक होते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये पाए जाते हैं जो कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो कई बार हम इसे रिसाइकल के वे में भी ले सकते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थों को छांट कर अलग कर लिया जाए, जिसको ऐसे ही मिट्टी में फैला दिया जाए और जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़े। तो ऐसे पदार्थों को छांट कर अलग करना, यानी प्रारंभ से ही यदि हम कचड़ों को निस्तारण करने से पहले ही अलग अलग कर दें कैटेगरी वाइज, तो बहुत सारी समस्याओं से हम निपट सकते हैं। अब हम वायु प्रदूषण से ही संबंधित एक टर्म, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट या भूमंडलीय तापमान का बढ़ना, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। वायुमंडल में लगातार जो वायु प्रदूषण हो रहा है इसके एक प्रभाव के रूप में भी हम इसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानेंगे। इस शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले जे फूरियर साइंटिस्ट ने 1827 में किया, और इस शब्द के द्वारा ही उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या है या कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, या एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट, ये सारे शब्द जो हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं। वैसे तो आर्हिनियस वैज्ञानिक जो हैं वो बहुत पहले से ये समझ रहे थे कि वातावरण के लगातार गर्म होते जाने से वनस्पतियों पर या जो जीव जंतु हैं उस पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव या जो साइड इफ़ेक्ट है, विपरीत प्रभाव है, वो देखने को मिलेगा। हरित गृह प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित करता है और यहाँ से ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता। पृथ्वी के चारों ओर के वायुमंडल से आने वाली जो ऊष्मा है वो पृथ्वी के अंदर प्रवेश करी लेकिन बाहर नहीं जा पाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जो हरित गृह प्रभाव है इसका जो कारण है वो हम समझेंगे कि कैसे ये होता है। तो प्राय इसको समझने के लिए हम ग्रीन हाउस के बारे में पहले समझेंगे। प्राय हम देखते हैं जो ठंडी जगह होती है वहाँ पर सब्जियों का, फलों का, फूलों का, इनका जब उत्पादन किया जाता है तो इनको बचाने के लिए एक पूरा कांच के आवरण का क्षेत्र विकसित किया जाता है।
तो इस कांच के आवरण वाले क्षेत्र के अंदर इन पौधों को लगाया जाता है, चाहे वो फल के हों, सब्जी के हों, फूल के हों। तो इससे यहाँ पर चूंकि शीत ऋतु में या बहुत अधिक ठंडे स्थान पर पाले जो पड़ते हैं उनसे इनकी रक्षा होती है। साथ ही हम देखते हैं कि जो सूर्य की रोशनी है उससे आने वाला जो तापमान है, उसकी जो ऊष्मा है, इस ग्रीन हाउस के अंदर आती है, लेकिन इससे बाहर नहीं जा पाती है। तो पौधों के वृद्धि और विकास के लिए ये जो अवरक्त किरणें होती हैं, चूंकि सूर्य की रोशनी या सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली जो किरणें हैं, जो कि गर्मी देती हैं, उसे हम अवरक्त किरणें कहते हैं। ये जो पौधे और मृदा अवरक्त विकिरणों को ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित करते हैं, और कांच इन अवरक्त विकिरणों के लिए अपारदर्शक होता है, और इसी वजह से कांच इन विकिरणों को आंशिक रूप से अवशोषित तो कर लेता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी को ये परावर्तित कर देता है। इस प्रकार जो अवशोषित विकिरण द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस कारण से ही इस हरित गृह या ग्रीन हाउस के अंदर तापमान अधिक रहती है, यानी तापमान में वृद्धि होती है। तो ग्रीन हाउस जो नाम है वो क्यों पड़ा, ये हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर का जो वायुमंडल है वो हरित गृह के समान ही एक तरह से है, कांच या प्लास्टिक की छत का कार्य करता है। तो ये हरित गृह प्रभाव के रूप में इसे हमने समझा कि इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ही जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो शीत वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पर फूलों की सब्जियों की खेती की जाती है, तो वैसे ही पृथ्वी के चारों ओर का जो वायुमंडल है एक तरह से हरित गृह का कार्य करता है, जो सूर्य से आने वाली जो किरणों को पृथ्वी में आने देता है, लेकिन पौधों से निकलने वाली जो अवरक्त किरणों को अपने में से गुजरने देता है, और इस तरह से हरित गृह के अंदर का तापमान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंदर जो तापमान आया उसमें से बहुत कम मात्रा में ही बाहर निकल पाता है, शेष जो यहाँ विकिरण अवशोषित रह जाती है, अवशोषित विकिरण, वो अंदर के टेम्परेचर को लगातार बढ़ाती जाती है। तो हरित गृह प्रभाव को हम परिभाषा कैसे देंगे, ये क्यों उत्पन्न होता है? तो लगातार हम देख रहे हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये कई कारणों से उत्पन्न होती है, मानवीय क्रियाकलाप से या कई औद्योगिक जो संक्रियाएं हैं उसकी वजह से, कई प्राकृतिक घटनाओं से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मान चूंकि बढ़ता जा रहा है, तो मानव निर्मित जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण एक कंबल जैसा प्रभाव, यानी एक प्रोटेक्टिंग यानी ब्लैंकेटिंग इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी की सतह जो है वो इस वजह से, पृथ्वी की सतह का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसे ही हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं। दूसरा, हम इसे इस तरह से परिभाषित करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो अधिक मात्रा होती है वो मेथेन या नाइट्रस ओजाइड के साथ एक स्तर बना लेती है, जो कि कम तरंग दैर्ध्य वाली जो सौर विकिरण होती हैं उसको वातावरण में प्रवेश करने तो देती हैं, लेकिन जो अधिक तरंग दैर्ध्य वाली जो ऊष्मीय विकिरण होती है वो उनको पृथ्वी से बाहर निकलने नहीं देती हैं। तो जब ये पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाती हैं अधिक तरंग दैर्ध्य वाली जो ऊष्मीय विकिरण है, इसकी वजह से जो तापमान है वो अंदर का बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी का तापमान जो है वो लगातार इसकी वजह से बढ़ता जा रहा है, इसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दूसरी भी बहुत सारी गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनती हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं इसके कारण पृथ्वी से विकृत ऊष्मा कैसे पृथ्वी पर ही वापस लौटती है और पृथ्वी के टेम्परेचर को लगातार बढ़ाती जा रही है। यहाँ पर हम इस पूरी प्रक्रिया को देख पा रहे हैं कि कैसे जो गैस है, कम तरंग दैर्ध्य वाली जो ऊष्मा विकिरण है वो तो अंदर प्रवेश कर गई, लेकिन बहुत सारे विकिरण जो है वो अंदर ही रह गई, बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हम ये समझेंगे कि वायुमंडल में उपस्थित जो और भी गैसेस हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे प्रभावित करती हैं,
जैसे कि मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जल वाष्प है, इनकी सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो प्रभाव है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये जो गैसेस होती है वो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उसको पृथ्वी पर आने देती हैं। पृथ्वी से पुनः ऊष्मा जो है वायुमंडल में वापस नहीं जा पाती है। इन्हीं गैसों के कारण ये प्रभाव उत्पन्न होता है, तो इसे हम हरित गृह गैस भी कहते हैं। और इन्हीं के कारण पृथ्वी का तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जल वाष्प की जो मात्रा है वो तो लगभग लगभग स्थिर ही है, लेकिन जो ये हरित गृह गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, इन गैसों की मात्रा या इनका जो सांद्रण है वो वातावरण में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके कई कारण हैं, जैसे जीवाश्म ईंधनों का दहन, वनों की लगातार कटाई या बहुत अधिक जनसंख्या में वृद्धि जिससे बहुत सारे संसाधनों का बहुत ही उपयोग हो रहा है, बहुत अधिक दोहन हो रहा है, इसकी वजह से भी कई सारे जो गैसेस हैं जहरीली वो निकल रही हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनती है। अब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण को समझेंगे कि कैसे ये हो रहा है, किस तरह से ये जो ऊष्मीय विकिरण है वो पृथ्वी से बाहर नहीं जा पा रही हैं। तो अधिक आवृत्ति वाली या उच्च आवृत्ति वाली जो यूवी किरणें हैं वो सूर्य से आती हैं। अब ये सूर्य से आती है तो ओजोन स्तर इसे अवशोषित कर लेती है, लेकिन हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के अणु जो है निम्नतर वायुमंडल में उपस्थित रहती हैं, ये निम्न आवृत्ति वाले विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं और इन ऊर्जा को बाहरी स्थान में निकलने से रोकती हैं। ये पृथ्वी के सतह के तापमान को स्थिर कर देती है और बहुत सारे विकिरण को पृथ्वी के अंदर ही रख लेती है, बाहर नहीं जाने देती हैं, जिससे लगातार हम देखते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कुछ एडवांटेजेस या इनके लाभ के बारे में हम समझेंगे। पहला लाभ तो इसमें यह है कि हरित गृह प्रभाव के कारण जो वायुमंडल का जो तापमान है वो गर्म बना हुआ है, पृथ्वी के तापमान की रक्षा होती है, यानी स्थिर होता है पृथ्वी का तापमान और वायुमंडल जो है वो जीवन उपयोगी बना है। इसी तरह ठंडे स्थानों में ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रयोग करके जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनकी पैदावार की जा रही है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत अधिक ठंड होती है, वहाँ पर घरों को गर्म रखने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत अधिक कारगर है। जल वाष्पन और बादलों का बनना, वर्षा की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना और ऋतु का संतुलन, ये सारी चीज़ें भी ग्रीन हाउस इफेक्ट से प्रभावित होती हैं। पौधों में या वृक्ष है उनकी वृद्धि विकास के लिए भी ये बहुत अधिक सहायक होते हैं। जो मृत जीव हैं या पौधे हैं उनका अपघटन भी आसानी से और जल्दी से होता है। लेकिन साथ ही ग्रीन हाउस इफेक्ट के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, यानी लगातार वायुमंडल का तापमान बढ़ता जाना एक बहुत चिंता का विषय है। और इससे हम देख रहे हैं कि लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। हम जो घरेलू उपयोग करते हैं जिसमें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या प्रशीतन की जो सामग्री होती है, इससे उत्पन्न जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका लगातार उपयोग हो रहा है और इसी वजह से लगातार जो है तापमान भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये भी एक बहुत प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है। और चूँकि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है तो ध्रुवीय क्षेत्रों का जो बर्फ़ है वो भी पिघल रही है और जो समुद्री किनारा है वो डूब भी सकता है, क्योंकि जल का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। ग्रीष्म ऋतु इसकी वजह से बड़ी हो जा रही है, लंबी हो जा रही है, और शीत ऋतु छोटी होती जा रही है। वर्षा असामान्य हो रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के समय में वर्षा किसी भी मौसम में हो रही है, ठंड हो गर्मी हो, वर्षा का सीज़न तो है ही, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग का ही इफ़ेक्ट है, ग्रीन हाउस का इफ़ेक्ट के कारण ही ये सारी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। आंधी तूफान की जो तीव्रता है वो भी बढ़ती जा रही है, साथ ही बहुत सारी ऐसी बीमारियां
भी फैल रही हैं जिनका आसानी से निपटारा नहीं हो पा रहा है, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, पीत ज्वर है या अन्य और भी बीमारियां जो लगातार उत्पन्न हो रही हैं और इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है। स्ट्रेटोस्फीयर के तापमान में गिरावट, क्योंकि ज़्यादातर जो IR किरणें हैं वो ट्रोपोस्फीयर में ही रह जाएंगे, फसल उत्पादन में कमी हो जाएगी और मनुष्य की जो कार्य क्षमता है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है, समुद्री जो जीव हैं उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी लगभग 36 लाख टन तक इसकी वृद्धि हो चुकी है और भी हो ही रही है, और बहुत सारा जो ऑक्सीजन है वो वायुमंडल से समाप्त होता जा रहा है। इसका जो मान है ये अनुमानित है कि आने वाले 50 से 100 सालों में ये और अधिक बढ़ जाएगा, जिससे बाढ़ की संभावना अधिक हो जाएगी, मिट्टी की कमी होने लगेगी। तो इस तरह से काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से उत्पन्न हो रही हैं और आने वाले समय में एक बहुत ही चिंता का विषय भी है। इससे उत्पन्न एक बड़ी समस्या जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं या इसे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, वायुमंडलीय प्रभाव भी कहते हैं। वायुमंडल में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है तो हरित गृह का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है, तो पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है, यदि ये वायुमंडल में बढ़ जाती है तो वायुमंडल का जो तापमान है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड का मान बढ़ जाएगा तो ये बहुत सारे दूसरे प्रभाव उत्पन्न करता है जो कि मनुष्य, जीव जंतु, पौधों सभी के लिए घातक सिद्ध होगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग का जो नियंत्रण है वो कैसे किया जा सकता है, इसके कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जैसे हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव का ही एक दुष्परिणाम है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव से ही उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग है। तो जो कारण ग्रीन हाउस प्रभाव के हैं वो सभी कारण ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी होंगे, चाहे वो औद्योगिकीकरण हो या डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई हो, चाहे जनसंख्या में वृद्धि हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन हो, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो हम उन्हीं कारणों को लेते हुए नियंत्रण की बात करेंगे। यदि प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी लाई जाए तो इसके लिए जीवाश्म ईंधन का दहन कम से कम किया जाना चाहिए, वनों का विनाश कम से कम हो, साथ ही वृक्षारोपण लगातार किया जाए, वन रोपण लगातार किया जाए, जनसंख्या पे कंट्रोल किया जाए ताकि जो संसाधन है वो उपलब्ध रहें, ज़रूरत से अधिक संसाधनों का उपयोग ना हो सके। तो मानव हो चाहे पशु हो, इसमें जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है। साथ ही जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन थोड़ा सा कम हो, सीमित हो। वाहनों का जब हम प्रयोग करते हैं, चाहे उद्योगों में जो भी ईंधनों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर प्रयास किया जाए कि प्रदूषक गैसों का जो उत्सर्जन है वो कम से कम हो, या जब इन औद्योगिक संयंत्रों से जो भी गैसेस निकलती हैं वो निस्तारित होकर निकले, यानी उसका पहले ही कुछ ना कुछ उपचार कर लिया जाए, फिर उसके बाद उसको वायुमंडल में भेजा जाए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उत्पादन है वो कम करना चाहिए, या इसके जो वैकल्पिक स्रोत हैं उसकी खोज लगातार होनी चाहिए या उनका उपयोग लगातार किया जाए। जैसे अगर हम क्लोरीन की जगह फ्लोरीन युक्त कुछ ऐसे यौगिकों का प्रयोग करें जो कि कम से कम प्रभाव उत्पन्न करें। कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग कम से कम किया जाए, यानी रसायन युक्त जो उर्वरक हैं उनका उपयोग कम से कम हो, इसकी जगह पर जैव खाद का प्रयोग किया जाए। साथ ही कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए जो कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन को रोके। ये जो कानून बनाए जाएं प्रभावी हों, बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैस के लिए स्ट्रिक्ट रहें, ग्रीन हाउस गैस उत्पादन करने वाली जो फैक्ट्रीज हैं उन पर रोक लगाई जाए। यदि हम लगातार इस तरह के कुछ नियमों को पालन करेंगे तो निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को दूर किया जा सकता है।